नमस्ते एवरीवन, और आज फिर हम एक व्रत की रेसिपी बनाने वाले हैं। फलाहारी आलू खाए बिना तो किसी का भी व्रत कभी कंप्लीट ही नहीं होता। तो फलाहारी आलू को एक अलग तरीके से बनाने की रेसिपी आज मैं बताने वाली हूँ। आलू बहुत ही चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनती है, तो चलिए देखते हैं हम फलाहारी आलू बनाने की रेसिपी। तो ये मैंने दो टमाटर हैं जिनको कट करके ले लिया है, इसे मैं एक मिक्सर जार में डाल दे रही हूँ, और ये हरी मिर्ची डाल दे रही हूँ इसमें, और एक चम्मच मैं इसमें जीरा डाल दे रही हूँ, और इन सभी चीज़ों को हम कर लेंगे ग्राइंड। तो ये देखिए मैंने ग्राइंड कर लिया है, और चलिए हम अपनी आलू बनाते हैं। तो ये आलू बनाने के लिए मैं इसमें डाल दे रही हूँ देसी घी 1 स्पून, और जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा। और ये देखिए हमारा जीरा भून गया है, और अब ये जो मैंने पेस्ट बना के रखा है टमाटो का, इसको डाल दे रही हूँ। इस टमाटो को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये बिल्कुल अच्छे से भून ना जाए और ऑयल ना छोड़ दे, तो तब तक हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए लगभग 1 से 1.5 मिनट में हमारा टमाटर अच्छे से भून गया है, और अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी ब्लैक पेपर, और इसमें डाल देंगे सॉल्ट। ये व्रत वाला सॉल्ट है, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, इसको मैंने डाल दिया है। इन सभी चीज़ों को कर देंगे मिक्स, और फाइनली हम इसमें ये बॉईल करके आलू को छील लिया है, और उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया है नाइफ से। तो अब हम इसमें आलू अपनी डाल देंगे, फ्लेम को हम तेज़ रखेंगे, और इसे हम आलू को अच्छे से भून लेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले इस पर अच्छे से चिपक जाएं। तो इसको हमने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है अच्छे से। तो ये देखिए हमारी फलाहारी आलू बनके बिल्कुल तैयार है, और लास्टली हम इसे गार्निश कर देंगे हरे धनिया के पत्तों से, और इसे कर देंगे मिक्स, और इसे सर्व कीजिए। देखिए बहुत ही चटपटी बहुत ही टेस्टी आलू बनी है। आप चाहें तो इसे सर्व करने के बाद इसमें थोड़े से पीनट डाल के भी खा सकते हैं, तो मैं इसे सर्व कर दे रही हूँ। तो ये देखिए हमारी चटपटी टेस्टी सी आलू बन के बिल्कुल तैयार है। कोई भी व्रत हो तो इन आलूओं के बगैर वो व्रत पूरा नहीं होता, तो आप भी इस आलू की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए।